आज अयोध्या में मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव। एक साथ जलेंगे 12 लाख दिए। दिन भर निकलने वाली झांकियों के बाद शाम 6 बजे जगमगा उठेगी राम की नगरी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पूरी दुनिया बनेगी गवाह। लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाया आगरा का बटेश्वर तीर्थ। अयोध्या की तर्ज पर जलाए गए 2,51,000 दीप। दीपों से जगमग हुए यमुना के घाट। दीपावली पर यूपी के दूसरे शहर भी जगमगाए। गोरखपुर, प्रयागराज, बिजनौर और फतेहपुर में भी हुआ भव्य दीपोत्सव। माफिया मुख्तार से मिलने बांदा जेल पहुंचे थे ओपी राजभर। दोनों के बीच बहुत देर तक हुई बातचीत। गाड़ी चेकिंग को लेकर पुलिसकर्मियों से राजभर का हुआ विवाद। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। जिला कोर्ट में बेल पर होगी सुनवाई। बड़ा सवाल, क्या दिवाली से पहले आशीष को मिलेगी जमानत? मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देवस्थानम बोर्ड को लेकर मचे घमासान के बीच बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, का प्रदेश के इतिहास में सबसे सुधारात्मक कदम। विरोध करने वालों को माफ करें बाबा केदार। पीएम के दौरे से पहले तीर्थ पुरोहितों के विवाद को सुलझाने में जुटी भाजपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सीएम से बातचीत कर निकालेंगे रास्ता। 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनने पर रुड़की को जिला बनाने का किया ऐलान। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, 2016 में रुड़की को जिला बनाने वाली थी कांग्रेस सरकार। उत्तराखंड में जारी है बर्फबारी। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में स्नोफॉल। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़।